परेशान हो गई हूँ यार। मगर क्यों? रोज फोन करते हैं और बोलते हैं फैमिली ट्रिप पे चलते हैं, प्लान बना ले। पर बनाऊं कहाँ का? मनाली का, गोवा का, लखनऊ का? कोई बताए तो सही। बस सीधा सीधा बोलते रहेंगे बुकिंग करा लो, बुकिंग करा लो। ऐसा करती हूँ आज बुकिंग करा ही लेती हूँ। अब चलो ऑनलाइन चेक करती हूँ कहाँ जा सकते हैं। ऐसा करते हैं एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में चलते हैं, अभी के अभी कॉन्सर्ट की टिकट्स बुक कराती हूँ। और ये हो गई कॉन्सर्ट टिकट्स बुक। गो गोवा। हर्ष के पास चलते हैं और उसे कहते हैं फ्लाइट बुकिंग करा। चलो हर्ष, 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 हम गोवा जा रहे हैं। क्यों? न्यू ईयर के लिए गोवा जा रहे हैं हम। अबे गोवा 36 बार गोवा जा चुके, कहीं और का प्लान बना। मैंने बना लिया, मैंने एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की टिकट्स भी बुक करा दी है। एपी ढिल्लों आ रहा है? हाँ एपी ढिल्लों आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़। कॉन्सर्ट बुक करा दिया है? यस। तो फिर क्या रहेगा? अ फ्लाइट टिकट्स और होटल की बुकिंग करा, उसके बाद हम पापा को शॉक। देसी जगी द ट्रैप जु बीट द सड़क ते कजी दे स्पीकर आते बच दे ब्राउन मुंडे। उसके बाद ना मुझे डिसाइड करना है एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट पे जाना है, मैं क्या कपड़े पहनूंगी, मुझे जाके शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। ओ एक काम करती हूँ, एपी ढिल्लों को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हूँ कि मैं आ रही हूँ, मुझसे मिलने आ जाइए। पागल हो गई है क्या? देखो लगता है वो आएगा मुझसे मिलने। निकल पहली फुर्सत में निकल। The next morning. क्या कर रही है प्रेरणा? मैं यार कल भूल ही गई, एपी ढिल्लों को बताना भी तो है कि मैं आ रही हूँ, उसको पता कैसे चलेगा कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। लगता है ये पागल हो गया। I should tell him ना, Instagram पे DM कर रही हूँ। Hi AP, I will be attending your New Year concert at Hammers. I'm sure you'd like to meet me. I'll see you there. इसको ना दिन के करोड़ों मैसेजेस आते होंगे। Big YouTuber. कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा? उसको करोड़ मैसेज आते तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। वो सिंगर है तो मैं यूट्यूबर हूँ। आई एम श्योर उसको मुझसे मिलना अच्छा लगेगा। मैंने मैसेज कर दिया है, अभी आएगा रिप्लाई, थोड़ी देर में आएगा, टेंशन मत ले। एपी ढिल्लों से मिलाऊंगी तेरे को, चल आ जा। Later that same evening. Finally एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, एपी ढिल्लों के इतने पास है और मम्मी पापा के भी। मम्मी पापा ने अर्ली चेक इन कर लिया था, इस बार हमने सोचा उनको वेट कराते हैं। चलते हैं और पूछते हैं वो कितने एक्साइटेड है एपी ढिल्लों से मिलने के लिए। अरे पर उसने रिप्लाई नहीं किया अभी तक इंस्टाग्राम पे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिजी होगा बेचारा, कोई बात नहीं कल कर देगा। हेलो मम्मी, हम मिल गए, गले मिलो हमसे। हेलो पापा, आ गए आप? हाय गाइस, हाय गाइस, एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट पे जाने के लिए कितने एक्साइटेड हो? टट्टू हैं सच में? हां बिल्कुल, मैं भी एक्साइटेड। एक गाना बता दो कोई। मेरे को पता ही नहीं। एक गाना सुना दो बस। मैंने पता ही नहीं। मम्मी एक गाना बता दो बस मुझे एपी ढिल्लों का। याद थोड़ा सोचो। ब्राउन मुंडे उसने यहां से हिंट पास कर लिया। सुनाइयो एक गाना। दिल का दरिया। हां क्या है ये? देसी जिबी टैग, पता नहीं आगे किया है। गाओ ना। ब्राउन मंडे आना नहीं पता है पेडल। मेरे को एपिडिलन का एक एक गाना बता। मैंने वो भी सुन रखे जो तूने कभी सुने नहीं होंगे। जब तक तू मुझे अपने मुंह से गाने नहीं सुनाएगा मैं मानूंगी नहीं कि मुझे गाना नहीं आता। हंस हंस लाइयां रो रो टूटियां। हंस हंस लाइयां रो रो टूटियां। फेक। ये मैंने बताया था। इस बंदे ने एपी ढिल्लों के गाने सुनाए थे और अभी मैं क्रेजी फैन हो गई हूँ। और हमारी दोनों की वजह से हम एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट देखने गोवा जा रहे हैं। गोवा जाओ ना, हम गोवा जा इसी ले रहे हैं। मुझे आता है एपी ढिल्लों। कौन सा आता है तुझे? लगी तुमसे मन। अरे ये बंदा एक निकम्मा, इसको कुछ नहीं आता। और ऐसे ही नोनू के नकली गाने सुनते सुनते हम मस्ती मजाक में पहुँच गए गोवा। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है गोवा के? तीन बजे देखा मम्मी पापा ने पहले ही कहा था कि हम टाइम से पहुंचे, हम तो टाइम से पहले पहुंच गए। रात को 3 बजे टैक्सी पकड़ के बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ नींदों वाली हालत में हम पहुंच गए अपने विला। ब्यूटीफुल यार। वाओ वाओ मैन, दिस इज ब्यूटीफुल। किचन देखियो भैया, इतनी तेज एसी चलाया हुआ, ठंड लग रही है। सुबह करेंगे यार, अभी सोते हैं पता है। वेलकम बैक टू माय किचन। वैसे ही है यार, वाइट ठीक है यार, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट तूने ही बनाना है सुबह। नहीं सोते हैं यार, आई एम स्लीपी। हेलो गाइस। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज गोवा वाले बीच से आपको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। आज हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। ओके बाय। ठंडा पानी है भाई, पानी की तरह नहीं 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 अबे वैसे ओ जल परी बनी हुई है। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच पे, ठंडी ठंडी बीयर पीएंगे, दोनों फोटो खींच के। नेक टू नेक चल रही है, कौन जीतेगा? डिश्चे आगे अप्पू, आगे डिश्चे, आगे अप्पू, आगे डिश्चे, आगे अप्पू। फाइनली जिसका वेट हो रहा था वो हो गया। प्रेरणा ने फाइनली मम्मी को स्विमिंग सिखा दी है। अबे बस हो गया, आज के लेसन काफी है।
अभी 5 दिन यही हो, पूरी सीख के जाना है। प्रेरणा ना सुबह से जल्दी से तैयार होके पूल साइड आके बैठ गई और प्रैक्टिस कर रही है। अबे क्या कर रही है ये? मम्मी को कॉन्सर्ट पर डांस करने का स्टाइल सिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा खुद सीख रही है। मुझे ना सब कुछ आता है, मम्मी को भी आता है वैसे तो। अभी इसने स्विमिंग सिखाई है, अब डांस सिखा रही है। मैं मम्मी को सब कुछ सिखा दूंगी आज, सब कुछ। चलो गाइस, आपको देती हूँ मैं अपना $5 million विला टूर। ये बट इसका है नहीं, ये रेंटेड है वैसे, बता दूं। मेरा यार, मैंने खरीद लिया। मैंने कहा हर्ष चल तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट। झूठ बोल रही है तू। कम ऑन इन। आओ हुजूर, तुमको लग्जरी विला में ले चलूं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये किचन है जिससे प्रेरणा को कोई वास्ता नहीं। Exactly, मैं तभी दिखा भी नहीं। यहाँ पे लिविंग एरिया है, यहाँ पे हम और तू यहीं सो जा, हम जा रहे हैं कॉन्सर्ट पे, बाय। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जा। ये उठ गया फाइनली। हेलो गाइस, चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं, क्या बढ़िया बेहतरीन सीढ़ियां बनाएंगे। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। पर आपको पता है, ये देखो ये जहाँ पे खड़ी है सबकी फोटोज है, बचपन की फोटोज है, बचपन की फोटोज। पहचान नहीं पाओगे आप हमें, ये नोनू होता था। अबे साले, ये मैं और नोनू होते थे। ये मम्मी और पापा कितने यंग लग रहे हैं। पापा की दाढ़ी भी है। अब्बू का है अब्बू। चलो आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा रूम यहाँ का, मास्टर बेडरूम। अरे चलो आपको दिखाएं। व्यू नहीं देखना, हमने मास्टर बेडरूम देखना बैक से। काश हमारी 6-6 फीट टांगे होती और हम यहाँ सो रहे होते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा रूम है क्योंकि यहाँ पे टॉवल चेयर पे सूखते हैं। बस ये बड़े बड़े शीशे हैं, ये खोलो और यहाँ से गाय भैंसों को नहाते हुए देखो, ये रहा पूल हमारा। तो बस यहीं खत्म होता है हमारा विला टूर, खत्म। और यहाँ पे ये हीरो जैसा पोज देते हुए, हटो मेरे को चलानी है। तो मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। ये क्या बात हुई? अरे वो वीडियो नहीं याद, राइडिंग हार्लेज इन हवाई। हाँ तो ठीक है, अकेले चला ले। राइडिंग फसीनो इन गोवा है। अकेले चलाओ। ओके बाय, मुझे बाय बाय बाय। स्कूटी लिए क्योंकि गाड़ी लेके जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, तो स्कूटी पे चल रहे हैं। बुलाते सब लेट लतीफों को, ये सबको ट्रेनिंग मिल रही है स्कूटी की। अब्बू चला लेगा ना, तेरे डर है मुझे। बच गए हैं और मैं इन्हें कह रही हूँ चलते हैं वापस कैलन बूट से, 20 मिनट हमारा विलाज है। ये जाने को तैयार नहीं है। पापा कह रहे हैं अभी 10 बजे से पहले थोड़ी आएगा। मैं कह रही हूँ 8 बजे आके गाने गा के चला गया, हम 10 बजे के फिर आँख में रह जाएंगे। ये चाहते ही नहीं हमारा कॉन्सर्ट अटेंड। तो लड़की ना वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था स्पेशली वापस लेके आई है, करी मुझे कपड़े चेंज करने हैं ना, वो तुझे देखेगा भी नहीं पता है। क्या बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ शो एंड होने दे, मुझे स्पेशली बुलाएगा, हाय करेगा और मेरे ऑटोग्राफ भी लेगा। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। काली गड्डी विच और वो बॉयज जो है वो रेडी नहीं है अभी तक। मम्मी आप भी अब जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत लेट हो गए हम। चलो मोर देन द कॉन्सर्ट, मुझे एक्साइटमेंट है न्यू ईयर की। आई होप न्यू ईयर में बहुत सारी न्यू हैप्पीनेस आए और कोरोना बिल्कुल चला जाए। एनीवे चलो चलते हैं और सबको उठाते हैं, नहीं तो हम कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। मैं तो चल रहा हूँ बट पापा और नून नहीं जा रहे। फाइनल हो गया? हाँ। As always, पापा नहीं जा रहे। पापा अपने पैसे दिए हैं उसके। हो गया हो गया। तो पापा नहीं जा रहे, अभी कह रहे हैं मेरी मेरी फ्रेंड्स को मैं टिकट दे सकता हूँ। चलो यार फिर किसी का भला हो जाएगा इसी बहाने। तो क्योंकि पापा और नोनू को विला कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, दे डिसाइडेड टू स्टे बैक और हम चारों एपी ढिल्लों क्रेजी फैंस निकल पड़े अपनी स्कूटी लेके एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं ये कॉन्सर्ट देखने। ये मेरी स्माइल देखी आपने? आई एम 100% श्योर आज तो एपी ढिल्लों मुझसे पर्सनली आके मिलेगा ही मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? और जैसे स्टेज पे एपी ढिल्लों के नाम की हूटिंग शुरू हुई, आई वॉज प्रिटी श्योर अभी तो ढिल्लों आने ही वाला है और अपना ब्राउन मुंडे गाने ही वाला है। सैड वो नहीं आया। आई वॉज जम्पिंग इन एक्साइटमेंट, आई वॉज लाइक कितना वेट कराएगा यार, अभी जा अभी जा। बार बार अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एंट्री नहीं मिस करनी। और इतना वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आया, आई डिसाइडेड टू DM हिम। मैंने तो सीधा सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज ही कर दिया, एपी ढिल्लों आ जा नहीं तो मैं जा रही हूँ। एंड उसने मेरी बात सुन ली। उसी टाइम इन 2 मिनट्स एपी ढिल्लों ने एंट्री ली।
कोर्स उसकी एंट्री वो सो ग्रैंड और उसने क्या गाने के साथ लॉन्च किया अपना शो, इतना क्यूट है, इसकी स्माइल देखो, इसका स्टाइल देखो, सही है यार। एंड फिर वो मोमेंट आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और उसने मेरी तरफ हाथ पॉइंट करके बोला, हाय प्रेरणा, यू लुकिंग रियली नाइस, आई एम हैप्पी कि तू मेरे कॉन्सर्ट पे आई है। हम सब पागल हो गए, पागलों की तरह डांस कर रहे थे, पागलों की तरह कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। राइट एट दैट मोमेंट मेरे तो आंसू भी आ गए। आई वॉज लाइक, ये ड्रीम है, ये सपना है, ये सच हो ही नहीं सकता। बट देन कुछ टाइम बाद आई रियलाइज, भाई एपी तो लाइव गाना गा ही नहीं रहा था। नो 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 नो, भाई टेप चल रही थी, टेप। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मैं एपी ढिल्लों की रियल वॉइस सुनना चाहती थी एंड आई वॉन्टेड टू टेल हिम कि यार प्लीज नेक्स्ट टाइम कॉन्सर्ट पे ना प्लीज अपनी आवाज में गाना गाना एपी। एंड आफ्टर द शो एंडेड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। एपी ढिल्लों की गाड़ी आगे और हमारी स्कूटी पीछे। आई टोल्ड हर्ष कि यार फॉलो हिम एंड टेल हिम कि अगली बार मुझे इसकी लाइव वॉइस सुननी है। माना इसने एक भी गाना नहीं गाया, इसका काफिला जा रहा है, मैं इसके पीछे लेके जा रही हूँ। हर्ष फॉलो हिम एपी ढिल्लों ने जैगुआर में। हम पता है बहुत बड़े स्टॉकर लग रहे हैं इस टाइम पे, रहने देते हैं, हमें सूट नहीं करती है चीज। पूछेंगे गाने के लिए। हाँ यार पूछना तो बनता, पैसे दिए थे हमने काफी सारे, वो भी माजे वाला है, बस इसीलिए हम प्यार करते हैं इसको। आगे आगे हम पीछे पीछे, हमने भी हौसला नहीं हारा। आज मैं एपी ढिल्लों से मिल के रहूंगी, नहीं मिल पाऊंगी यार, नहीं मिल पाएंगे हम। ये रही उसकी गाड़ी, पूछ इससे क्यों नहीं गाना गाया। चुप रहे, गाना क्यों नहीं गाया, पूछ यार गाना क्यों नहीं गाया। हेलो यार, ओ से शीशे पे अबे बना बना किया हुआ है। बाय एपी ढिल्लों, आई मिस यू। तू गाना नहीं गाया पर अच्छा लगता है मुझे। एंड उसी टाइम उनके क्रू मेंबर्स ने अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करा और हमसे बोला, स्टॉकर्स। जो पार्ट द कॉन्सर्ट वाज ग्रेट। एपी ढिल्लों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आई मीन वर्चुअली मिलके। आई नो हाई हेलो तो बाद में कर लेगा मुझसे यार। एनीवे आई होप यू गाइस हैड फन वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।